Next question. Question says an electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. सवाल है radius of the circle will be proportional to क्या होएगा. बहुत ही simple सवाल है. यहाँ पे अपने को पता है जब आपका electron move कर रहा है circular orbit में जिसकी speed v है. ऑलराइट हमें बताना है रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होएगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑलराइट इस केस में अच्छा कुछ लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी. ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा. ये फार्मूला आपका तब एप्लीकेबल है जब हम ये कहते हैं कि आपका कोई एक चार्ज एक्सटर्नल फील्ड बी में मूव कर रहा है तो कितना रेडियस वो बनाएगा वो कहानी करेगा. यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा. आंसर क्या आएगा डजेंट मैटर. आंसर देखेंगे तो हो सकता है पर इट डजेंट मैटर. बट ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बात गलत है. राइट हमें ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज गोल गोल घूम रहा है और मान लीजिए ये आपकी डायरेक्शन है वी वेलोसिटी है आर रेडियस है और सेंटर पे वो बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. अब सवाल ये कि रेडियस ऑफ सर्कल किसके प्रोपोर्शनल होएगा. राइट इस केस में हमें पता है कि बी जो है उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर. आर छोटा लिख लेते हैं टू का आर. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई एक चार्ज घूम रहा है अगर कोई करंट है इस वायर में तो वो करंट इस बेसिस पे आता है. इसको आई को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं म्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय टू आर और ये आपका टी आपका टाइम पीरियड हो जाएगा. इससे यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ टी को अगर हम ओमेगा की टर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय टू आर मल्टीप्लाइड बाय टी. टी को अगर हम ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो उस ओमेगा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी हो जाएगा टू पाई बाय ओमेगा. सो ये हो जाएगा टू पाई और ऊपर ओमेगा आ जाएगा. नाउ ओमेगा को अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में अगर कन्वर्ट करने लगेंगे सो यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में अपनी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय टू आर. ये इसको एक साथ कर देते हैं फोर पाई आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी बाई आर. सो ये हो जाएगा वी बाई आर. नाउ इसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे विच एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं विल बी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाय फोर पाई बी. नाउ इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आपका आर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट वी बाय बी के. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आप जो आपका आर है ऑप्शन नंबर सी आर विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी बाय बी. सो दैट विल बी द राइट आंसर.